बताया कि हमने वर्ल्ड कप के लिए इंडियन वीजा अप्लाई किया लेकिन हमें नहीं मिल सका, लेकिन पाकिस्तान से एक सीनियर जर्नलिस्ट अब्बास शबीर जिन्हें वीजा मिला वहां पर गए, चेन्नई और मुख्तलिफ सिटीज का उन्होंने विजिट किया। उन्होंने वहां पर क्या देखा यूपीआई के हवाले से, पेटीएम सिस्टम के हवाले से और भी बहुत सी ऐसी चीजें जो उन्होंने वहां पर व्लॉग बनाया और वहां पर जो डेवलपमेंट है, डिजिटलाइजेशन है, उस हवाले से जो बात करेंगे कि हमें जो यहाँ पे मीडिया में 76 साल 70 साल से बताया जाता रहा और रियलिटी क्या। बहुत जबरदस्त मजा आया जी, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया और सारा कुछ एक्सप्लेन किया। ये रॉयल एनफील्ड का एक शोरूम था, हम होटल जा रहे थे और हमने ये मौका देखा, हमने रिक्वेस्ट की, थैंक्स अगेन। इंडिया के अंदर हम जहाँ भी जा रहे हैं ना, हम किसी से भी मिलते हैं उनको बताते हैं कि हम पाकिस्तान से आए हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा वेलकम किया जाता है, बड़े अच्छे तरीके से वार्मली हमें कहा जाता है कि ठीक है ओके। हमने इनको रिक्वेस्ट की कि मैं ये वीडियो बनाना चाहता हूँ, आप ये देखें कि ये भी एक बहुत ज़बरदस्त और आउटस्टैंडिंग किस्म का शोरूम अट्रैक्शन है इंडिया के अंदर। कोलकाता में और भी शहरों के अंदर इस किस्म के शोरूम्स होंगे और लोग इन बाइक्स के बड़े क्रेज़ी हैं। हमने यहाँ पे रोड्स के ऊपर भी ये बाइक्स देखे और अचानक हमने सोचा कि हम इसको यहाँ पे जाके कैप्चर करें। कोलकाता से अब्बास शबीर को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने इसी बारे में बताना चाहूँगा कि हमारा एक पाकिस्तानी अभी वर्ल्ड कप के लिए हिंदुस्तान गया हुआ जर्नलिस्ट है, वो वहाँ पर जाकर किस किस्म का हैरान हो रहा है वो बंदा। एक छोटी सी क्लिप आई है मेरे पास, मैं वो दिखाना चाहूँगा आपको। बेंगलोर में भी मैंने ये चीज़ देखी थी और चेन्नई में भी ये मैंने चीज़ देखी है कि ऑटो रिक्शा भी पे के ऊपर चलते हैं। आप रेडी से अगर आपने पकोड़े, समोसे या कोई भी छोटी चीज़ भी लेनी है तो वहाँ पर एक स्कैन का बोर्ड लगा होता है, आप उसको स्कैन करें और आप उसको पे करें। ये देखें जी, ये पान की छोटी सी शॉप है, ये एक छोटी सी शॉप है, ये एक मिठाई शॉप है, निम्को शॉप है और यहाँ पर भी ये सिस्टम है। मुझे हैरत हुई ये सिस्टम देख कर कि आपको इससे कैश नहीं कैरी करना पड़ता, जस्ट यू स्कैन योर फ़ोन एंड पे। क्या कहें यार, मैं तो ये कहता हूँ बल्कि ये ज़्यादा अच्छा है पाकिस्तान में खास तौर पर, क्योंकि वहाँ पे जो है वो कैश हो गए नहीं किसी भी शॉप पे, तो जो हमारे यहाँ आजकल जो दिन दहाड़े जो डकैतियाँ होती हैं क्राइम स्ट्रीट क्राइम्स में, उसका सबसे अच्छा हल यही है कि जो कैश होता ही नहीं दुकानों में। ये सबसे ये आपका बिग बाइक है रॉयल एनफील्ड का, 650 cc है ये, इसका 47 BHP पावर आउटपुट है, 52 Nm का टॉर्क आउटपुट है इसमें, बहुत ही पावरफुल है। ये प्रॉपरली एक क्रूजर है, इसको सुपर मीटियोर कहते हैं, मीटियोर 650 cc। इसका पावर बहुत ही बेहतरीन है, 170-180 किलोमीटर पर आवर इजीली जा जाता है इसमें आप जी टॉप 200 तक जाएगा। इसमें आप मीटर कंसोल में अगर देखेंगे, इसमें एक एडिशनल मीटर कंसोल भी आ जाता है जिसको ट्रिपल नेविगेटर कहते हैं, ये गूगल के साथ बिल्डअप किया हुआ है। अच्छा, तो इसमें क्या होता है, आप मोबाइल फ़ोन के साथ कनेक्ट कर लीजिए, आपको मैप लगाने के लिए फ़ोन अलग से रखने की ज़रूरत नहीं, उसमें ही आपका डायरेक्शन शो करेगा। गाड़ियों के अंदर जो लेटेस्ट कार्स है उसमें खुद ही नेविगेशन आ जाएगा। इसके साथ साथ इसमें USB चार्जिंग पोर्ट ये सब इनबिल्ट आ जाता है, इसमें स्लीपर क्लच भी है, ये बहुत ही मॉडर्न है, डुअल चैनल ABS के साथ, आपका अपसाइड डाउन सस्पेंशन है, LED हेडलैम्प है, मतलब बहुत ही मॉडर्न क्रूजर है जी। अपसाइड डाउन है ना, USD है फ्रंट में, बहुत ही आउटस्टैंडिंग। ये बहुत खूबसूरत कलर है, ये बुलेट 350 है। एक्चुअली इंडिया में या फिर वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी, इंडिया में मैक्सिमम रॉयल एनफील्ड को बुलेट के नाम से ही हर कोई पहचानता है कि बुलेट मोटरसाइकिल है। ये मॉडल फर्स्ट लॉन्च हुआ था 1932 में, ये सबसे ओल्डेस्ट मोटरसाइकिल मॉडल है जो अभी भी कंटिन्यूस प्रोडक्शन में है। ये थोड़ा फिर से रिबॉर्न हुआ है, थोड़ा नया इंजन, नया चेसी के साथ, ये बुलेट 350 cc इंजन है, सेम पावर आउटपुट है 21 BHP का, लेकिन थोड़ा सा इसका डिज़ाइन चेंज किया जी। ये थोड़ा वो होता है ना मॉडर्न, मतलब जो एक विंटेज लुक भी है प्लस मॉडर्न एक फीलिंग भी आएगा। सबसे पहले मैं इस बाइक के ऊपर आता हूँ, ये भाई हैं, अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी करवाना है उसके बाद। जी, मेरा नाम ऑर्गो मजुमदार है, मैं यहाँ पे स्टोर मैनेजर हूँ, ये शाह डिस्ट्रीब्यूटर से कोलकाता में रॉयल एनफील्ड का ऑथोराइज डीलरशिप। तो आप कोई कुछ भी जानकारी चाहिए मैं आपको मॉडल वाइज सब कुछ बता दूँगा। ये फर्स्ट बाइक, ये रॉयल एनफील्ड का एक ऑफ रोडिंग ऑन रोड या ऑफ रोडिंग मोटरसाइकिल है, हिमालयन कहते हैं इसको। नॉर्मली क्या है, आप पहाड़ों में चलाइए, सिटी रोड्स में चलाइए, कोई भी टाइप ऑफ टेरेन्स में आप गाड़ी चलाइए, उसके लिए ये सबसे बेस्ट मोटरसाइकिल है अभी इंडियन मोटरसाइकिल मार्केट में। तो ये हिमालयन 411 cc का है, ये ऑलमोस्ट 25 BHP का पावर आउटपुट देता है और आपका इसका ऑन रोड प्राइस कोलकाता में अराउंड 2.7 lakhs का आ जाता है। जहाँ पे हिल्स वगैरह ज़्यादा होता है उस तरफ बहुत डिमांड होता है, मतलब आप रेंट्स का भी बाइक देखने जाइएगा ना, उसमें आपको ये सबसे ज़्यादा मिलेगा। नेक्स्ट बाइक है ये 350 cc है, हंटर इस पर लिखा हुआ है, बहुत खूबसूरत बाइक है। मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि इस बाइक पे मैं सवार हूँ, थोड़ा सा घूमूँ फिरूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इनसे पूछता हूँ कि ये इसकी क्या क्वालिटी है। मैंने अभी देखें जी कलर, इसके आप कलर ज़रा दिखाएं जी इस तरफ, ये देखें जी क्या खूबसूरत कलर है। ये मीटियोर क्रूजिंग के लिए नया लॉन्च हुआ है, इसमें स्पोक रिंग्स आता है, आपके पास में जो येलो वाला दिख रहा है वो भी मीटियोर 350 है, दोनों 350 cc है।
लेकिन 350 सीसी होने के बावजूद भी ये कूल कलर्स मैंने शिकागो में, सैन फ्रांसिस्को में बहुत बहुत वाइब्रेंट जो है वो मैंने देखे हैं, बहुत वाइब्रेंट। अगर कभी भी आप रॉयल इनफील्ड का ऑफिशियल पेज एक बार चेक करेंगे या फिर ऑफिशियल वेबसाइट फॉलो करेंगे, आपको बहुत सारा कलर ऑप्शन मिलेगा जिसमें आपका वाइब्रेंट रेड कलर आता है, येलो आता है, ग्रीन आता है, ब्लू आता है, मतलब यंग जनरेशन के लिए एकदम परफेक्ट है पूरा। अब ये देखें जी, ये जो लूज आई है चीज़ें, अब इसको ये यहाँ पर फिटमेंट हो रहा है जी, हो रहा है जी, इसको तैयार कर रहे हैं जो भी कस्टमर ये लेने वाले भाई सर कस्टमर। कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत ज़बरदस्त चीज़ आपको मिला है। ये कितने का मिला है और क्यों आपको ये शौक है थोड़ा सा बताएं कि हैवी बाइक्स का? बाइकों का काफ़ी शौक है मुझे। कुछ दिन पहले ही अगस्त में मैंने 350 मेट्रियर लिया था, तो और ये एक्चुअली 650 मेट्रियर 650 है आपका। इसका वेटिंग पीरियड 6 to 8 months है, बट लकीली मुझे 2-3 महीने के अंदर ही मिल गया मेरे बुकिंग चेयर। वेटिंग के अंदर होता है जी? जी जी, बुक करना पड़ता है जैसे गाड़ी को, नए मॉडल को। जी जी जी, 650 ऐसे ही आता है, तो मुझे लकीली 2-3 महीने के अंदर ही मिल गया, तो वो मैंने सेल करके मैं बस आज लकी मैं आज गाड़ी इस प्राइस में, तो एक अच्छा गाड़ी भी आ जाता है। आ जाता है, शौक की बात है, शौक अलग अलग शौक है, किसी को फोर व्हीलर का शौक रहता है, किसी को टू व्हीलर का शौक रहता है, बट मुझे बाइकों का शौक है। ये देखें जी, ये दिखाएं, ये आखिरी ये ट्रेल है और वहाँ पे अच्छा। अब बड़ी बात यह है कि हमने अगर दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चले नहीं है, अब दुनिया जो है वो जियो स्ट्रेटेजी से जियो इकोनॉमी की तरफ गई है। हम यही कहते रहे कि हम नीले पानियों में हैं जी, हम गर्म पानियों में बैठे हुए हैं जी, हम वहाँ पे दुनिया के ज़मीन है, जरखेज चारों मौसम है हमारे पास। जबकि जो एनालिस्ट से वो ये कहते थे कि यार जो जरखेज़ ज़मीनों के बासी होते हैं ना, ये दुनिया में सबसे नाहल कौमें होती हैं, क्योंकि इनको पता होता है कि 6 माह बाद हमारी फसलें हो जानी हैं और ये आराम से जो है बाजू सराहने दे के सोते हैं। हमने इन बातों पे गौर नहीं किया, दुनिया तरक्की करती रही, हम कदम से कदम मिला के चले नहीं और अभी भी हम नहीं चले हैं। वो गूगल में दुनिया के जो बड़े आईटी एक्सपर्ट्स हैं, दुनिया के जो बड़े अदारे हैं, उनके वहाँ उनके लोग काम कर रहे हैं, हम कहते हैं जी देखो हमें एटम बम मिल गया भाई, फिर यहीं चला लो एटम बम, फिर यही हाल बचता है इसके ऊपर, यहीं चला। ये ट्रेल है ना वो जो, अच्छा जो पहले जो ग्रीन कलर का हिमालयन हम लोगों ने दिखाया उसका ब्लू कलर ही है, और उसके पास में ये भी 650 सीसी, इसको इंटरसेप्टर कहते हैं ब्लू कलर में जो आप देख रहे हैं ये वाला। हाँ, इंटरसेप्टर 650 है, ये भी 650 सीसी इंजन में, ये थोड़ा रोडस्टर टाइप मॉडल है, मतलब आप स्ट्रेट बैठ के चलाने वाला, सिटी में चलाएंगे, हाईवे क्रूज करेंगे इसके लिए। और ये बुलेट 350 मॉडल ही है जो मेरून वाला कलर आपको दिखा है उसका टॉप। ये देखें जी, जैकेट्स स्पेशल, ये बाइक्स जो हैवी बाइक्स चलाते हैं ये स्पेशल ये जैकेट्स भी साथ पहनते हैं। ये देखें जी, ये प्रिकॉशंस लगे हुए, सेफ्टी सारी पूरा प्रोटेक्टिव जैकेट्स है ये आपका, इसमें हर टाइप का प्रोटेक्शन आ जाता है, जिसमें आपका एल्बो प्रोटेक्टेड है, शोल्डर प्रोटेक्शन है, बैक प्रोटेक्शन है। कुछ कुछ जैकेट्स में जैसे वो आप येलो वाला जो प्रोटेक्टर देख रहे हैं ये चेस्ट गार्ड है, तो कुछ हाई रेंज जैकेट्स में चेस्ट गार्ड भी आ जाता है, इसको आप ऐड भी करते हैं इसके साथ आपके लिए, पूरा सेफ हो जाता है। आप कभी भी लॉन्ग राइड्स कर रहे हैं या शॉर्ट राइड्स भी कर रहे हैं किसी टाइप ऑफ डैमेज के लिए, आपका आपको सेफ रखेगा पूरा। और ये ग्लव्स भी, ये भी सेफ्टी ग्लव्स, ये भी हैवी बाइक्स के साथ सेफ्टी ग्लव्स, हर किस्म के ग्लव्स, हर किस्म की सेफ्टी चीज़ें, हेलमेट बड़े खूबसूरत हैं बाइक्स के साथ, कलर बाकायदा जो है इसके मैच करते हैं सारी बाइक्स के साथ जी, बाइक कलर्स वाइज सब, और शूज़ भी हैं साथ, क्योंकि हैवी बाइकर जो होते हैं हम देखते हैं कि जो भी हैवी बाइक्स चलाने वाले होते हैं